सो अब दोस्तों हम देखेंगे एग्जाम्पल पीडीए की विथ ऑड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स। सो ये एग्जाम्पल है जहां पे हम डिजाइन करेंगे एक पीडीए फॉर द लैंग्वेज एल इक्वल्स टू ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन, सी टू द पावर एन, वेर एन वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। सो दोस्तों अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि अगर मैं डब्ल्यू जो कि मेरा स्ट्रिंग होता है उसको एन की वैल्यू अगर टू लू तो ए ए बी बी और सी सी, तो ये तो इवन लेंथ की स्ट्रिंग बन जा रही है, ठीक है। पर अगर मैं एन की वैल्यू ऑड लू जो कि थ्री, तो ये ए ए बी बी सी सी सी, तो ये ऑड लेंथ की स्ट्रिंग बन रही है। सो इस केस में आपको क्या करना चाहिए? सो इस केस में आपको एक बार बताना चाहूंगा कि अगर आप एक पीडीए डिजाइन करते हो जो कि ऑड स्ट्रिंग एक्सेप्ट करती है, सो वो ऑटोमेटिकली इवन स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट कर लेगी। सो हमारा फोकस रहेगा यहाँ पे पीडीए डिजाइन करना ऑड लेंथ के लिए स्ट्रिंग की। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग लेंगे ए ए ए बी 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 सी सी सी, बिकॉज मैंने आपको कहा है हम जो स्ट्रिंग की लेंथ लेते हैं वो 4 to 6 लेते हैं, पर 6 में जो इवन हो जाएगी और हमें ऑड चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ऑड लेंथ के लिए हम यहाँ पे 9 यूज करेंगे क्योंकि एन जो 3 है बेसिकली 3 डालने से 9 लेंथ की स्ट्रिंग बन रही थी। तो ये हमारी स्ट्रिंग हो गई है। अब आइए हम इसे देखें हम कैसे पीडीए बनाएंगे। तो ऑड के लिए जो रूल्स होते हैं पीडीए डिजाइनिंग के लिए, उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि आपको एक स्ट्रिंग को 2 equal halves में डिवाइड करना है। सो हमने इसे 2 equal halves में डिवाइड कर लेते हैं ये, और ये हो गया हमारा मिडिल एलिमेंट जो हमारा, आइए इसे थोड़ा जूम करके दिखाता हूं मैं आपको, ये एक हाफ हो गया, 1/2, एंड दिस इज द अदर हाफ, और ये बी जो है हमारा ये मिडिल एलिमेंट है। सो हमें क्या करना है, एक जो रूल याद रखना है कि हम क्या करेंगे, जब भी हम ऑड लेंथ की स्ट्रिंग के लिए पीडीए बना रहे होंगे तो हमें क्या करना है, हमें सेम वही काम करना है जो हम इवन में करते थे। हमें फर्स्ट हाफ के लिए पुश वाला ऑपरेशन लगाना है, सेकेंड हाफ के लिए पॉप ऑपरेशन लगाना है, ठीक है, स्टैक में। बट मिडिल एलिमेंट जब हमें इनकाउंटर होगा तो हमें नो एक्शन या नो ऑपरेशन लगाना है स्टैक में, ठीक है, यानी हम कुछ भी नहीं करेंगे, कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम नॉर्मली उसे बस आगे फॉरवर्ड कर देंगे। सो अब हम क्या करेंगे, हम यही अब अपने ट्रांजिशन से बना लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेट से, स्ट्रिंग्स लिख लेते हैं हम अपनी, ये मेरी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 9 है, और हमारा जो डिफॉल्ट टॉप एलिमेंट होगा स्टैक का वो Z0 है। सो नेक्स्ट मूव में मैं Q0 मूव पे ही रह रहा हूँ और पुश करा रहा हूँ एलिमेंट्स को। सो ए ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, और एलिमेंट पुश हो गया ए हमारे स्टैक में। अब हम चलते हैं नया मूव Q0 ए बी 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 सी सी सी, यहाँ पे हमें दो टॉप एलिमेंट भी ए है हमारा स्टैक में और ए इनकाउंटर किया है, तो अभी यहाँ पे हम पुश ऑपरेशन लगाएंगे और हमने स्टैक में फिर एक और ए डाल दिया है। अब फिर Q0 पे हमें फिर ए लगाना है और यहाँ पे हमने पुश कर दिया एलिमेंट को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, Q0 पे जब हमें बी ए इनकाउंटर होगा तो हम स्टेट भी चेंज करेंगे और बी को जो है अभी भी हमें पुश ऑपरेशन ही लगाना है क्योंकि ये बी जो है वो इधर हाफ में कंटेन्ड है। तो हम यहाँ पे अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे डबल बी ट्रिपल सी बी ए ए ए Z0, ठीक है। अब हम आ चुके हैं मिडिल एलिमेंट यानी मिडिल बी पे, जो हमारा मिडिल पोजीशन का बी था। तो जहां से कि मैंने आपको बताया था हम नो ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जब हमें दो बी इनकाउंटर हो जाएगा Q0 स्टेट पे तो हम इसे Q2 स्टेट पर भेज देंगे और कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, ठीक है, स्टैक में। ये मैंने सेम लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे Q2 पर हमें और हमें दो बी इनकाउंटर हुए, ठीक है, तो हम यहां से पॉप ऑपरेशन लगाना चालू करेंगे। Q2 स्टेट पर ही मैं इसे पॉप कर लूंगा। सो सी 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 और बी जो है वो पॉप हो चुका है, बच्चे ए ए ए है और Z0 है। अब Q2 स्टेट पर ये बाकी चीजें भी पॉप कर लूंगा। तो Q2 जो मुझे सी इनकाउंटर होगा स्ट्रिंग में और ए होगा मेरा टॉप एलिमेंट स्टैक का, तो मैं उसे पॉप कर लूंगा डबल सी डबल ए, सेम प्रीवियस ऑपरेशन लगाऊंगा Q2 स्टेट पर ही सिंगल सी, फिर मैंने एलिमेंट पॉप कर लिया स्टैक से और मैं फिर एक और बार एलिमेंट पॉप करूंगा तो यहाँ पे नल बच जाएगा और Z0 बच जाएगा स्टैक के टॉप एलिमेंट में। अब जब Q2 को नल इनकाउंटर होगा और विद टॉप एलिमेंट Z0, तो हम इसे Q3 में भेज देंगे जो कि हमारा फाइनल स्टेट होगा और बाकी सारी चीजें डिफॉल्ट की डिफॉल्ट रह जाएंगी। तो अब हमारा ट्रांजिशन जो है, सो यहाँ हमारा ट्रांजिशन जो है वो खत्म हो चुका है, हमने पूरी स्ट्रिंग ट्राइवर्स कर लिया है। अब हम इसका टेबल बनाएंगे, तो आइए हम देखते हैं टेबल कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि हम टेबल में पहले कॉलम्स ड्रॉ कर लेते हैं, वो है होंगे स्टेट, उसके बाद इनपुट, फिर आ जाता है टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक और नेक्स्ट मूव,
हमारी क्या होगी, ये मैंने बना ली चार कॉलम्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांजिशन, देखते हैं अपना ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। हमने इनिशियल लिया था क्यू नॉट, हमारी इनिशियल स्टेट है ये। हमें इनपुट मिला था ए और हमारे पास टॉप एलिमेंट स्टैक का था जेड नॉट। हमने क्या किया, हमने क्यू नॉट पे रहने दिया और ए को जो है वो पुश करा दिया स्टैक में। तो हमने यहाँ पे ए को पुश करा लिया स्टैक में। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा। नेक्स्ट स्टेप हमने क्यू नॉट पे रहने दिया था और हमें इनकाउंटर हुआ था स्ट्रिंग में ए, और टॉप एलिमेंट भी स्टैक का ए ही था। तो हमने क्या किया, फिर हमने पुश ऑपरेशन ही किया। तो हमने यहाँ पे पुश ऑपरेशन डिस्प्ले करना है। उसके बाद फिर हमने सेम ऑपरेशन ही यूज किया ए ए वाला, ठीक है। उसके बाद हमें क्यू नॉट पर बी इनकाउंटर हुआ था और हमारा टॉप एलिमेंट क्या था, ए। तो अब ये हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। और हमने क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने अपनी स्टेट चेंज की थी, तो हम यहाँ पे भी अपनी स्टेट चेंज दिखाएंगे क्यू वन पे। हमने क्या किया था, इसको भी एड कर लिया था अपनी स्टैक में। उसके बाद हमने स्टेट चेंज कर लिया। अब हमें क्या इनकाउंटर हुआ यहाँ पे, बी एंड अ बी, ओके। सो जब हम क्यू वन स्टेज पर हमें बी इनपुट पे इनकाउंटर हुआ और बी हमारा टॉप एलिमेंट भी है स्टैक का, तो हमने यहाँ पे क्या था, हमने कुछ नहीं किया था। तो हम यहाँ पे यही डिस्प्ले करेंगे कि हमने यहाँ पे कुछ कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाना है अपने, नो ऑपरेशन ऑन द स्टैक, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं अब क्यू वन स्टेज पर। हमने क्या किया था, हमने बी और बी इनकाउंटर होने पे उसे स्टेज बदला था, तो हम यहाँ पे भी स्टेज बदल लेंगे। और अब हम क्यू टू पर जा चुके हैं। क्यू टू पर हमें फिर बी इनकाउंटर हुआ था और हमारे पास इधर भी स्टैक में बी ही था, ओके, वी हैव बी ओवर हियर। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे पॉप ऑपरेशन। तो हम यहाँ पे पॉप ऑपरेशन लगा लेते हैं अपने। तो ये लग गया मेरा पॉप ऑपरेशन क्यू टू पर ही, पॉप ऑपरेशन, देन अगेन अ पॉप ऑपरेशन। जब हमारा एलिमेंट इनकाउंटर हुआ सी और टॉप एलिमेंट था ए, तो पॉप ऑपरेशन लगेगा। और उसके बाद जब ये सारे एलिमेंट्स यहां से पॉप ऑपरेशन में उड़ गए, तब हमारे पास बचा क्यू टू, नल बचा इनपुट में और जेड नॉट बचा टॉप एलिमेंट। तो हमने उसे क्यू थ्री पे भेज दिया जो कि हमारा फाइनल स्टेट है, और स्टैक में कुछ भी ऑपरेशन नहीं किया। तो क्यू थ्री आ गया जो हमारा फाइनल स्टेट है। और ये दोस्तों बन चुका है अब हमारा पीडीए जो एक्सेप्ट करता है ऑर्डर इवन स्ट्रिंग दोनों फॉर द गिवन लैंग्वेज।